खबर शामिल करना से हैदराबाद में किंग यूथ पैनल कासिमाबाद तरफा इंसाफ ला कोर्ट में वन जो ऐलान कर छो प्रॉपर्टीज डीलर्स एसोसिएशन कासिमाबाद के अगवान किंग यूथ पैनल पारा नामस्त चेयरमैन माजिद महसर सदर जैन जतु सरपरस्त आला अशरफ मेमन सरबराह असगर पंवर इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ता इस्तीफा दींदड़ हाजी जमीर बलादीन नवीद खासकली ए बेन कासिमाबाद के प्रॉपर्टीज डीलर्स एसोसिएशन के अगवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे है इलेक्शन कमीशन के तरफा 11 जून से कासिमाबाद में इलेक्शन जो ऐलान किया वो है तंखे मुकमल तौर पर रद्द करूँ था इन गैर कानूनी इलेक्शन जो बायकॉट कंदासें। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ए मेंबर ही इस्तीफा दी छी है। कमेटी के बाकी मेंबर के को भी कानून हक हासिल ना है तो वो पंजी मर्जी मुताबिक असाज मेडिट के लदार कर इलेक्शन कराइन। माजिद मैसर चो तो इलेक्शन कमीशन का मेंबर अपोजिशन ग्रुप के धुर बनल जी कूड़ा मेंबर्स रजिस्टर कर मुखालफ ग्रुप के वंगार वही रहा है। माजिद मैसर असाए वो तो टोटल 660 मेंबर रजिस्ट्रेशन कराई है पर कुछ ही ढीह में मिली भगत कर मच्छी वार समेत धोबिन सब्जी वार वोट रजिस्टर कर 804 का मथे बॉक्स वोट रजिस्टर किया वो तो कादर एवन्यू एक बजे मानू जा भी इतने वोट दाखिल किया वह किंग यूथ पैनल पारा नामजदीद सदर जैन जतू है त इंसाफ लॉ सेशन कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तीन भी वासी। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के अहदे त इस्तीफा दींदड़ हाजी जमीर बालादी असा चाहो पे तो पुरअमन तौर सुठे माहौल में इलेक्शन थे अस कें भी ग्रुप की धुर न हुआसें पर मच्छी वार सब्जी वार धोबियन जहा वोट रजिस्टर कर सीधी ना इंसाफी है। कासिमाबाद के मौजूदीन के अपील तो क्या तो बिन्हीं ग्रुपन के गद विहारे बिन्हीं की मुतफिक राय से इलेक्शन कमीशन की नई बाड़ी जोड़ी वे जहाँ इलेक्शन कराए। अब्दुल्ला दसना बुधन राउ सलामत।